दुनिया में बहुत तरह की वायरस हमेशा से फैलता आ रहा है, जैसे कि इबोला वायरस, स्वाइन फ्लू, डेंगू, मैबिव, एचआईवी, मलेरिया, मर्गबर्ग, इटीसी, और भी बहुत सारे वायरसेस हैं जो कि वर्ल्ड में हमेशा फैलते आ रहे हैं। पर अभी हाल में ही बहुत बड़े लेवल पर पूरे विश्व में बहुत ही खतरनाक कोरोना वायरस पूरे विश्व में तेजी से फैल रहा है। आखिर क्या है ये कोरोना वायरस जिससे लोगों में काफी हलचल का माहौल बना हुआ है। अभी तक पूरे विश्व में कोरोना वायरस के कारण 100 लोगों की डेथ हो चुकी है और 5000 लोगों में ये कोरोना वायरस पूरी तरह से फैल चुका है। चाइना से शुरुआत हुआ यह कोरोना वायरस पूरे विश्व में, जैसे कि जापान, मलेशिया, सिंगापुर, साउथ कोरिया, यूएस, कनाडा और भी छोटे बड़े देशों में फैल चुका है। आखिर क्या है ये कोरोना वायरस? मैं हूं फेमटेज, आपका दोस्त और होस्ट। आज हम इस वीडियो में कोरोना वायरस के लक्षण, कोरोना वायरस है क्या, इसका सिम्टम क्या है, इसका इफेक्ट क्या होगा ह्यूमन बॉडी पर, इसके बारे में पूरी तरह से गहराई साइंस को समझेंगे। अगर आप इस फेमटेज चैनल पर नए आ गए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। अगर पहले से सब्सक्राइब कर रखे हैं तो धन्यवाद, थैंक यू। दिसंबर 2019 में चाइना के वुहान शहर में कोरोना वायरस का सबसे पहला केस आया था। वैज्ञानिकों का अनुमान है यह कोरोना वायरस SARS एंड MERS जैसी जानलेवा वायरस के फैमिली को बिलोंग करता है। SARS वायरस एक ऐसा वायरस है जो कि 2003 के समय विश्व के 37 देशों में फैला हुआ था, जिसके कारण लगभग 800 लोगों की जाने गई थी। कोरोना वायरस जनरली जानवरों में पाया जाने वाला वायरस है जो कि नॉनवेज के माध्यम से इंसानों में भी तेजी से फैल रहा है। इंटरनेशनल मीडिया का दावा है कि 2019 के आखिरी महीना में चीन के वुहान शहर के नॉनवेज मार्केट से यह कोरोना वायरस पैदा हुआ और सारे लोगों में यह धीरे धीरे फैलना स्टार्ट हुआ। चाइना के वैज्ञानिकों ने अभी अभी लेटेस्ट रिसर्च में पाया कि यह कोरोना वायरस चमगादड़ से सांपों में और सांपों से इंसानों तक पहुंचकर पूरे विश्व में फैलना धीरे धीरे शुरू हो गया है। अभी अभी वैज्ञानिकों को रिसर्च में एक और बात पता चला है कि कोरोना वायरस एक पैथोजन है। यह एक तरह का इन्फेक्शन होता है जो कि तेजी से लोगों में फैलकर कोशिकाओं में छिपकर बीमारियों को प्रोड्यूस करता है। अभी तक डॉक्टर और साइंटिस्ट इस कोरोना वायरस के उपचार का कोई तोड़ नहीं निकाल सके हैं। यह कोरोना वायरस इतना खतरनाक है, इसका कहर इतना ज्यादा चीन में फैल चुका है कि चाइना के सरकार ने वुहान शहर में रहने वाले लगभग 3.5 करोड़ लोगों को शहर में ही लॉक करके रखा है। चाइना के सरकार ने वुहान शहर में आने और जाने दोनों पर पाबंदी लगा दिया, यानी कि जो वुहान शहर में है वो बाहर नहीं जा सकता और जो बाहर है वो वुहान शहर में नहीं आ सकता। पूरी तरह से लॉक करके रख दिया है ताकि यह कोरोना खतरनाक वायरस वुहान शहर से बाहर तेजी से न फैल सके। तो अब हम इस वीडियो में जानते हैं कि कोरोना वायरस इंसानी शरीर पर कौन कौन सा प्रभाव, कौन कौन सी बीमारियों को उत्पन्न कर सकती है। इस कोरोना वायरस के कारण गले में खराश, बुखार और सांस लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। फिर धीरे धीरे यह कोरोना वायरस ह्यूमन बॉडी के हर एक सेल में पहुंचकर चारों तरफ फेफड़ों में अपना पकड़ मजबूत कर लेती है और फेफड़ों को धीरे धीरे डैमेज करना शुरू कर देती है, जिसके कारण सांस लेने में आपको काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, यह कोरोना वायरस के कारण ह्यूमन बॉडी में न्यूमोनिया जैसी खतरनाक बीमारी भी जन्म ले लेती है। कोरोना वायरस का अभी तक कोई उपचार, कोई इलाज ना होने के कारण जितने लोग कोरोना वायरस से संपर्क में आते हैं, ग्रसित हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, सारे लोगों की डेथ होती जा रही है। अब सवाल यह है कि हम आखिर खतरनाक कोरोना वायरस से कैसे बचें? WHO ने अभी अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लोगों तक यह सूचना मैसेज दिया जा रहा है। नंबर 1, छींकते और खांसते समय फ्रेश कपड़ों से अपने मुंह को जरूर ढक लें। नंबर 2, अपने हाथों को बार बार जरूर धोते रहिए ताकि ऐसा खतरनाक वायरस आप तक नहीं पहुंच पाए। नंबर 3, अगर आप नॉनवेज खाने के शौकीन हैं तो खाने से पहले उसे अच्छी तरह से पका कर ही खाएं। नंबर 4, अगर आपके गले में खराश खांसी महसूस हो रही है तो जल्द ही डॉक्टर से संपर्क कर चेकअप करवाएं। तो दोस्तों, ये खतरनाक कोरोना वायरस के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, कॉमेंट जरूर करिए अपना विचार और इस वीडियो को लाइक करके ऐसे इन्फॉर्मेशन दोस्तों को शेयर जरूर करें ताकि वो भी सावधानियां बरतें और आप भी। तब तक मिलेंगे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। नहीं सब्सक्राइब किए चैनल को तो कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।